आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। पुलिस को मिली जंगल से मिले अवशेषों की डीएनए रिपोर्ट, श्रद्धा के पिता से हुई मैच। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर क्राइम इन कैमरा देख रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको फिर से श्रद्धा मर्डर केस से अपडेट करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड में हड्डियों के डीएनए श्रद्धा के पिता से मिल गए हैं। आफ्ताब अमीन पूनावाला को शनिवार को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आफ्ताब की तिहाड़ जेल संख्या 4 में रखा गया है। सेल के पास जेलकर्मी की तैनाती की गई है, जो उस समय हर समय 24 घंटे निगरानी रखेगा उन पर। इसके अलावा सेल पर निगरानी रखने के लिए 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस आरोपी का 1-2 दिन में नार्को टेस्ट करा सकती है। सभी पॉलीग्राफ टेस्ट का विश्लेषण किया जा रहा है। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट ठीक ठाक रहा तो आगे नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। रोहिणी स्थित FSL से दिल्ली पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। हड्डियों का, बालों का और खून का डीएनए मिलान हो चुका है। इसके छतरपुर स्थित फ्लैट की टाइल को लेकर पुलिस SSL गई थी। टाइल से खून के धब्बे मिले थे। इसका डीएनए भी श्रद्धा के पिता से मिलान हो गया है। श्रद्धा केस से अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।